वाला क्वेश्चन हो गया था सबका, लास्ट वाला है ना। तो लास्ट वाला और ऊपर दोनों के आंसर क्या थे? सेम ही थे, क्योंकि क्वेश्चन ही सेम थे, दिए अलग तरीके से। ठीक है, लेको नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे कहाँ थे भाई तुम? बाहर, क्या देश से बाहर चले गए थे? हैं? बेटा मिस मत करा करो क्लासेस वगैरह। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के क्वेश्चन नंबर बताओ 16 है ना। लिखो क्वेश्चन, लिखो C इज इक्वल्स टू 50 प्लस 0.5 y, 50 प्लस 0.5 y, ठीक है ना। एंड इन्वेस्टमेंट and investment expenditure, and investment expenditure is 2000, देखा सर एक सेकंड, 2000, ठीक है, कैलकुलेट। अगर पापा नहीं है, पापा नहीं है, अंकल शाम में आएंगे। कैलकुलेट फर्स्ट पॉइंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, और सेकंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। जल्दी से आंसर बता दो फास्ट, मैं नहीं करूंगा सॉल्व वाला क्वेश्चन। हाँ भाई कितना आ रहा है जल्दी बताओ आंसर आ गया इधर। वेरी गुड, कंजम्पशन बताओ अनुराधा। वेरी गुड, करेक्ट। ठीक है भाई, देखो सामने में करा रहा हूं क्वेश्चन को। y इज इक्वल्स टू, हमें पता है क्या होता है, c प्लस s, बट इन इक्विलिब्रियम y इज इक्वल्स टू व्हाट, c प्लस i। देखो पहले सुन लो, इस बार प्रेजेंटेशन मैटर करती है, तो जिस तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ वैसे ही करना है, ये नहीं डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। ठीक है, फॉर्मूला लिखना है, बताना है इकोनॉमी किसमें है, इक्विलिब्रियम में, तभी हम s की जगह क्या लिख रहे हैं, i। बात समझ में आ गई। उसके बाद y निकालना है, c दे रखा है, c कितना दे रखा है बताओ, 50 प्लस, बोलो भाई, 0.5 y, और i कितना दे रखा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, कितना, 2000 करोड़। ठीक है, उसके बाद y और y वाले एक तरफ ले लो, y माइनस 0.5 y, उधर इसको एड ऑन करो, 2050। ठीक है, इधर क्या बचेगा, 0.5 y, ठीक है, उधर 2050, तो y इज इक्वल्स टू बताओ 2050 डिवाइडेड बाय 0.5, पॉइंट हटा के ऊपर एक कैंसिल आउट हो रहा, कितना आ रहा है, 4100। वेरी वेरी गुड। ठीक है ना, अब जरा सामने देखो, कंजम्पशन निकालने के दो तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे निकाला करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को तो आंसर से मतलब है। अब अगर मैं सी की बात करूं, सी की कंजम्पशन की, ठीक है, तो दो तरीके हैं उसको निकालने के लिए, इसलिए बता रहा हूं क्वेश्चन में। ठीक है, कितने तरीके हैं, दो। देखो पहले तो ये वाला देख लो, मुझे एक बार बताओ सी इज इक्वल्स टू कितना है जरा बताना, 50 प्लस 0.5 y आ चुका है क्या, नहीं आया, आ गया है, तो यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दो उसकी, समझ में आ रही है बात। ठीक, तो 50 प्लस मल्टीप्लाई करना से कितनी आ रही है, 0.5 की, 4100 के अंदर, जल्दी जल्दी, 4100 मल्टीप्लाई बाय 0.5 ना, 2050, तो देखो यहाँ पे आएगा 2050। ठीक है,
दोनों को एड ऑन कर दो कितना आएगा 20 100। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक तो ये तरीका था ठीक है, दूसरा तरीका भी देख लो। मुझे बताओ y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है ना, पता है सबको बात, आया ना y आ गया है, पता ना कितना आ गया y 40 100 ठीक है। c निकालना है, मुझे बताना i कितना दे रखा है 2000, बताना कितना आ रहा है 20 100। बताओ किस मेथड से करोगे, बोलो किस मेथड से करोगे। ऑब्वियसली किससे करेंगे हम, सेकंड वाले से। समझ में आ गई बात? देखो आप किसी से भी कर दो, कोई इशू नहीं, मेरे को तो कोई इशू नहीं है ठीक है, बट ऑब्वियसली सेकंड वाला थोड़ा इजी है ठीक है, तो उसको आप यूज कर लिया करो। बात समझ में आ गई? अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन के अंदर एस और निकालने को अगर बोलता कि सेविंग्स निकालो, तो सेविंग्स किसके इक्वल होती है बताओ भाई, इन्वेस्टमेंट्स के, तो एस इज इक्वल टू आई दैट इज मुझे बताओ 2000। बात सबको समझ में आ गई, क्लियर है, आगे चले ठीक है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 ठीक है। लिखो कैलकुलेट, आज थोड़ी स्पीड बढ़ा के रखना, कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरा पॉइंट है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ठीक है, दोनों आपको पता है, कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरा क्या है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब जो डेटा दे रखा है वो लिखो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ये क्या कह रहा है तारिश, हेलो, हाँ ठीक है भाई, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमें दे रखा है लिखो 5000, उसके बाद ऑटोनॉमस कंजम्पशन ये दे रखा है हमें 500, उसके बाद लिखो एमपीसी, व्हाट इज एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये हमें दे रखा है 0.4 ठीक है। चलो आपसे बताओ जल्दी, सीबीएसई 2013 CBSE 2013 एक ही बार हो सकती है प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स की, उसमें अच्छे से कर लेना, उसके बाद तो हमेशा बस क्वेश्चन दिया करूंगा, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। करेक्ट आंसर अनुराधा का, वेरी वेरी गुड, क्या क्या निकाला है सी ठीक है, कितना आ रहा है 2500। अब क्वेश्चन देखे थोड़ा सा आके कॉपी में भी देखना पड़ेगा मेरे को, टाइम क्यों लग गया इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ आई सेम आएगा ठीक है। देखो सामने सी का फॉर्मूला तो हमें पता है, सी इज इक्वल्स टू कंजम्पशन फंक्शन बताना, ए प्लस एमपीसी वाई है ना, ए कितना दे रखा है ऑटोनॉमस कंजम्पशन 500, एमपीसी कितना है 0.4 और वाई कितना जल्दी से बताओ, वाई है हमारा 5000 ठीक है। इतनी बात समझ सबको समझ में आई, उसके बाद यहां पे देखो 500 ठीक है, मल्टीप्लाई करना जरा 2000 कितना जाएगा 2000, दोनों को ऐड कर दो, लो हमारा कंजम्पशन निकल गया 2500, इतनी देर लगनी चाहिए बस ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ अब आई निकालना है, हमें पता है y इज इक्वल टू क्या होता है सी प्लस है ना, पहले सी प्लस एस होता है बट इन इक्विलिब्रियम s इज इक्वल टू आई, देयरफॉर y इज इक्वल टू सी प्लस आई, y कितना दे रखा है 5000 ठीक है, c कितना आया जरा बताओ 2500 और i निकालना है तो i निकाल लो, i भी कितना आ जाएगा जल्दी बताओ
2500, इतना ही टाइम लगना चाहिए क्वेश्चन को करने में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 18 लिखो, कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नेशनल इनकम 1000, ठीक है, उसके बाद लिखो MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.2, ठीक है, उसके बाद लिखो ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर 100, चलो पे जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कितना आंसर आ रहा है आयुष, तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है यहाँ, छुट्टी मारते हो कम से कम क्लासेस ले लिया करो क्या, ईमेल खुद को ही कर लोगे तुम अपने आप को क्या, 200 क्या, 200 इन्वेस्टमेंट रॉन्ग, रॉन्ग आंसर अनुराधा, सॉरी भैया वो मैंने आपको कंजम्पशन भेज दिया, इन्वेस्टमेंट अभी भेज, कंजम्पशन ठीक है, हाँ आपका आंसर करेक्ट है, वेरी गुड, 100 इज द करेक्ट आंसर। हाँ भाई सामने देखो, अरे कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, इन्वेस्टमेंट निकालना है पहले बताओ, ठीक है, हमें पता है इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है, वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस आई में ही तो आता है, और तो कहीं आता नहीं है, ठीक है, बस यहीं पे कर, यार ये क्यों नहीं आ रहा, लिख दिया मैंने यहाँ आ गया। अब मुझे बताओ वाई दे रखा है क्या, जल्दी बताओ वाई कितना दे रखा है, 1000, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन, हमें सामने देखो साहब, अब हमें देखो एमपीएस दे रखा है और क्या दे रखा है, ए दे रखा है, स्मॉल ए दे रखा है, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अरे तो सिंपल सी बात है, सी को एक्सपेंड कर लो ना यार, एक्सपेंड करने का सी होता क्या है बताओ, ए प्लस एमपीसी वाई, हर चीज रटवाओ यार आप लोगों को, आई निकालना है, ठीक है, ये तो यहाँ पे 1000 ही रहेगा, ए बताओ कितना है, 100। एक बार बताओ, अगर आपको एमपीएस दे रखा है तो क्या आप एमपीसी नहीं निकाल सकते यहाँ से, बताना कितना आएगा एमपीसी, 0.8, 1 में से माइनस कर दो उसको, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। अरे सबको समझ में आ रही है बात, ये आ रही है आर्यन, पक्का देख लो, फिर कुछ भी पूछ लूंगा रैंडमली, आ रही है, नहीं उससे ठीक नहीं है, यहाँ जा रहा है, मास्क उतारने से कुछ नहीं हुआ, यहाँ जा रहा है सारी चीजें, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ एमपीसी बताओ यहाँ पे कितना लिखूं, 0.8, क्या इनकम दे रखी है, इनकम कितनी है, 1000, क्या यहाँ से आई नहीं निकल सकता बताओ, निकल तो जाएगा इजीली, ठीक है, कुछ मत करो, देखो इसको उधर लाके माइनस करो कितना आएगा पहले बताओ, यहाँ पे 900, इसकी मल्टीप्लाई उधर करो कितना जाएगा, 800, प्लस आई निकाल लो सीधा यहाँ से, आई इज इक्वल टू बताओ कितना आ जाएगा, 100। अरे क्या इशू है इन सब बातों में, सिंपल तो क्वेश्चन है, ठीक है, अनुराधा वाई नहीं निकला वो आई निकला है। हाँ भैया वो जल्दी जल्दी में मिस वो हो गई, रॉन्ग टाइपिंग, गलती से मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब देते हैं हम सीबीएसई 2014 का, सारे क्वेश्चन कर लो जितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, बात ही खत्म, ठीक है, फिर कहीं से भी पूछ लो कोई इशू नहीं है, जितने टाइप्स हैं सारे कर लो। लिखो कैलकुलेट ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है, इकोनॉमी सब में इक्विलिब्रियम में, वो लिख नहीं रहा क्वेश्चन के अंदर, लिखा हुआ है वो बात, ठीक है, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। लिखो आर्यन, नेशनल इनकम दे रखी है, नेशनल इनकम का मतलब क्या है भाई, कभी कभार, हाँ क्या वाई, नेशनल इनकम का मतलब क्या है वाई, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है ऐसे, देखो जब पेपर आएगा तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बोलेंगे कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो ये मत सोचने में बैठ जाना कि जो क्वेश्चन आया है वो नेशनल इनकम चैप्टर में से आया है,
तो हमें लगाना है वहां पे एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो आपको आइटम्स देख के पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। कहीं वहां पे देख सोचने लोगे यार यहाँ तो कुछ मेथड लग नहीं रहा, ठीक है, और लगना क्या, इनकम डिटरमिनेशन मल्टीप्लायर। ठीक है, तो नेशनल इनकम तो सब जगह सेम ही रहती है, ठीक, तो यहाँ पे वाई का मतलब क्या है, नेशनल इनकम ही है, इसलिए बार बार लिख रहा हूँ नेशनल इनकम ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, क्लियर है, नेशनल इनकम दे रखी है हमें 1200, उसके बाद लिखो एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमें दे रखा है 0.2, सेम ही है क्या ये, नहीं, उसके बाद लिखो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है 100। कितना आंसर आ रहा है जल्दी बताओ जल्दी, आर्यन को देख के हूं क्या कर रहा है इतनी देर से। करेक्ट आंसर 140। ठीक है भाई, अपने होम एग्जामिनेशन के चक्कर में चैप्टर खराब मत कर देना, उनके मार्क्स कहीं नहीं लगने। एक टाइम के बाद आपसे पूछूंगा किसी दिन मैं आगे जाके, भाई आपके प्री बोर्ड में कितने आए थे, आपको याद भी नहीं होंगे, ठीक है, बट मैं पूछूंगा बोर्ड में कितने आए थे, जिंदगी भर याद रहेंगे। तो पहली बता दिया, होम एग्जामिनेशन के चक्कर में अपने चैप्टर्स खराब मत करना, ये बोर्ड्स खराब मत करना बिल्कुल भी। ठीक है भाई, सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को, अर्जुन हो गया, कितना आंसर आ रहा है? हाँ भाई देखो, ऑटोनॉमस कंजम्पशन निकालना, ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है, ए, अब मुझे पता है वो सिर्फ कहां आता है जल्दी बताओ, सी में। ठीक है, तो मैं पूरा फॉर्मूला लिख लेता हूँ, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आई मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट दे रखी है, उसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो y is equals to c क्या होता है बताओ, a plus mpc y, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, plus i, y दे रखा है क्या हमें बताओ, कितना दे रखा है, a तो निकालना है, mpc क्या यहाँ से निकाल सकते हैं बताओ, 0.8 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस बात को, तो देखते बता दे कोई इंसान, है ना, तो mpc यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.8, और y तो हमें दे ही रखा है कितना है 1200, क्या निकालना है बताओ भाई, आई ने निकालना है, ये निकालना है, आई बचा तो आई निकालना है, आई दे रखा ऊपर कितना 100, उसके बाद कुछ मत करो, इसको उधर लाओ माइनस कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1100, ए निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है क्या 960, ठीक है, इसको उधर लिया माइनस कर दो कितना आ गया, इतना सा है बस ये क्वेश्चन, इतना सा, और इस क्वेश्चन पे 3 नंबर मिल जाते हैं, इतना सा करने पे फ्री फंड के कुछ नहीं है, देख लो। और पता नहीं बच्चों को न्यूमेरिकल्स हार्ड क्यों लगते हैं, इनकम डिटरमिनेशन एक भी क्वेश्चन हार्ड लगा अभी तक, सारे क्वेश्चन हो रहे हैं स्मूथली, ठीक है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, आप बनाओगे इनको डिफिकल्ट तो इतने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट लगाने लगोगे इसके अंदर, ठीक है, बट जिस तरीके से पढ़ाया उसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आगे चले, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और, सारे फोन आधे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 20, ये 20 था, 19 18 17, 21 है ना, 20 है, अरे क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, कैलकुलेट एमपीसी, कैलकुलेट एमपीसी, नेशनल इनकम गिवन है 1500, ठीक है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 300, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है 300, चलो आंसर बताओ जल्दी बिना रुके, आर्यन जल्दी बताना आंसर इन सबसे पहले,
दिया मेरे से पूछो। किसी को 4 बजे की टाइमिंग में प्रॉब्लम है? पॉइंट सिक्स। अरे क्वेश्चन कहाँ गया? 0 point is the wrong answer. 0.6 is the correct answer. अरे 0.6 आ रहा है भाई, 0.6 आ रहा है। आ गया? Y is equals to C plus I. मैंने आपसे स्टार्टिंग से बोला था ये इक्वेशन ही बेस है, अगर ये इक्वेशन आती है तो फिर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक आ गया आपका भी? वेरी गुड। Y कितना है जरा बताओ? 1500। C क्या होता है? A plus MPC है। A को सीधा लिख दूं यहाँ पे 300। ठीक है, MPC तो निकालना है इस बार शायद। ठीक है, और Y हमें दे रखा है कितना, और I भी दे रखा है हमें शायद कितना, 300। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस बात को समझने में? ठीक, अब ये 300 और ये 300 कितना हो जाता, और उधर लाके अगर मैं माइनस कर देता तो इधर तो 900 आ जाता, सीधा लिख दूं 900, कोई इशू तो नहीं है किस बात किसी को है? यहाँ पे क्या है, MPC मल्टीप्लाई बाय कितना है, ठीक है, अब MPC को उधर ही रहने दो, 1500 को इधर लिया 900 के नीचे, ठीक है, 900 अपॉन बताओ, ठीक है, 20 से 20 देखो कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा 9/15, क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से, है ना, 3 3 5 15, ठीक है, तो आ तो गया 0.6। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ 0.6 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्यन हो गया था सबका, हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब बताओ कौन सा, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, कैलकुलेट, अगेन लिखो कैलकुलेट एमपीसी, नेशनल इनकम 2000, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 200, मैं नहीं कराऊंगा इस बार, आंसर चाहिए मुझे, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 100। चलो आंसर बताओ जल्दी, आर्यन बाइक का खड़ी करिए सामने, कहाँ पे, वहां रोड पे तो नहीं खड़ी, ठीक, करेक्ट आंसर है अनुराधा। आ गया सबका? वेरी गुड। कराऊंगा नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व मैं, क्योंकि अभी करा के आया ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कैलकुलेट ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है, नेशनल इनकम वाई इज इक्वल्स टू 500, ठीक है, एमपीएस, एमपीएस 0.3 और आई दे रखा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपको 100। चलो जल्दी, हो गया
आपका आंसर आ गया? आ गया आर्यन, कितना आ रहा है? 50 आ रहा है? ठीक है, आगे चलें, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 लिखो, इन एन इकोनॉमी saving function is s is equals to minus 200 plus 0.25 y, ठीक है, full stop। उसके बाद लिखो the economy is in equilibrium when income is rupees 2000 crores में है, ठीक है, full stop, calculate investment, ठीक है, autonomous consumption, ठीक है, and investment multiplier, okay। दोनों आंसर ठीक है, तीसरा बताओ। वेरी गुड, अनुराधा का आंसर आ गया। क्या? हाँ, ठीक है, दो तीन मिनट और दे रहा, आराम से कर लो। गया वैसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, देखो भाई, आपको सेविंग फंक्शन दे रखा है, एस इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, प्लस 0.25 y, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये 0.25 क्या होता है? वेरी गुड, सबको पता है बात या नहीं पता? ठीक है, तो MPS हमारे पास आगे एक वैल्यू और मिल गई हमें, MPS कितना है हमारे पास, 0.25, ठीक है। अब एक बार वो तो K निकालना होता है, तो K का फॉर्मूला क्या है जरा बताओ, 1/MPS है, हाँ या ना, तो ऐसे लिख सकता हूँ 1/MPS, है ना, तो कितना आ गया 0.25,
पॉइंट हटा के ऊपर दो जीरो लगाओ, है ना, कैंसिल आउट कर दो, फोर से चला जाएगा, तो फोर टाइम्स क्या आ गया ये बोलो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इतनी बात सबको समझ में, कोई इशू थोड़ी था इतनी बात में। और क्या क्या निकालना है हमें, देखो ये निकाल लिया हमने, अब क्या बचा हमारे पास, ए ठीक है और आई। अच्छा एक बात बताओ, ए तो कितना सिंपल है ही, ठीक है ना, मुझे एक बात बताओ ये क्या होता है, तो अगर मैं यहाँ से ही बात करूँ तो ए कितना आ जाएगा जरा बताना, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ए तो 200 आई रहा है डायरेक्टली हमारा, आ रहा है नहीं आ रहा, आपका भी तो कितना आया 200, तो यहीं से लिख सकते हो तो डायरेक्टली, आपको कोई इशू थोड़ी है इसके अंदर, ठीक है। तो ए इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 200, ठीक है, बात समझ में आया ना, ठीक। अब क्या रह गया हमारा, आई रह गया, ठीक है। अब आई निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, कुछ भी यूज कर लो। मुझे एक बात बताओ क्या हमें इनकम दे रखी है ना, कितनी दे रखी है जरा बताओ। अब मैं इनकम अगर यहाँ पे प्लेस कर दूं, कोई इशू है किसी को इस बात में, नहीं है ना, चलो इनकम को प्लेस करते हैं, बताना जरा, इज इक्वल्स टू माइनस 200 प्लस 0.25, वाई कितना है 2000, मल्टीप्लाई करना 0.25 की, 500 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर 500 आ गया, ठीक है, तो दोनों को प्लस माइनस करो कितना आ रहा है, ये 300 क्या आया है, सेविंग्स आई है अभी, इन्वेस्टमेंट नहीं आया, ठीक है, बट हमें पता है इनइक्विलिब्रियम, बताना, वेरी गुड, इनइक्विलिब्रियम, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल, तो इन्वेस्टमेंट्स कितनी आ गई बताओ, 300, लो सब कुछ आ गया, था ही क्या इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं था, ठीक है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 24, लिखो वाई, ऐसे लिखना वाई 400 500 600 एंड 700, ठीक है। उसके बाद लिखो यहाँ पे सी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 240 320 395 और 465, ठीक है। क्या क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है एम पी सी निकालना है और एम पी एस निकालना है, ठीक है, ये डैश फिल करने हैं। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ जल्दी, भैया इसका आंसर ना मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया, इस पर लिखने में बहुत टाइम लग जाता, चेक करो हाँ। अच्छा एक बात होता, फर्स्ट वाले पे डैश लगाओ ना यार, फर्स्ट वाला कैसे निकाल लोगे, हाँ डैश डैश आएगा, वहां तो निकाल ही नहीं सकते, हाँ बेटा मेरे को गलत लग रहे हैं ये, हाँ भैया गलत हो गए, एक मिनट
ठीक है आ गया बताओ वेरी गुड और हाँ वेरी गुड हाँ भाई सामने देखो तो इस पे तो डैश लगा दें सबको समझ में आ गया डैश क्यों लगेगा यहाँ पे है ना क्योंकि हमें चेंज पता ही नहीं है अच्छा एमपीसी क्या होता है डेल्टा सी अपॉन सबको पता है बात है और एमपीएस क्या होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा और सबसे आसान तरीका क्या है बताओ वन माइनस तो एमपीसी निकाल लो वन में से माइनस करते जाओ है ना या जाएगा या फिर मैंने दूसरा तरीका लिख ही दिया है वो करो अच्छा इसके लिए अगर ये लगाओगे तो इसके लिए क्या चाहिए होगी तो आपको सेविंग्स भी निकालनी पड़ेंगी तो आपका काम बढ़ जाएगा है ना तो इससे बढ़िया एमपीएस एमपीसी निकालो वन में से माइनस करते जाओ फिर क्या निकाल लो एमपीएस बात समझ गए सब ठीक है बताओ भाई इसका चेंज पहले इस बताओ इसका चेंज कितना है जल्दी बताओ कितना 80 अपॉन बताओ भाई 100 ठीक है तो 80 अपॉन 100 कितना होता है 0.8 कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अच्छा 0.8 को 1 में से माइनस करूंगा तो यहाँ कितना जाएगा कोई प्रॉब्लम किसी को ठीक है उसके बाद बताओ फिर कितना एडिशन हो रहा है 75 का इधर बताओ कितना है तो सिंपल था है ना 0.75 1 में से माइनस कर दो ठीक है फिर बताओ इसमें कितना एडिशन है 75 का कितने का है 70 हाँ 70 का अपॉन 100 तो ये कितना आ गया 0.7 और ये पॉइंट इतना था ठीक है कर लिया था सबने क्या लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 ठीक है इनकम लिखो 0, 20, 40 और 60 ठीक है उसके बाद सेविंग्स लिखो -12, -6, 0 और 6 ठीक है क्या क्या निकालना है एमपीसी निकालना है ठीक है और एपीएस निकालना है एपीएस कितना है वेरी गुड डैश लगाओ ना डैश लगाओ बी
अनुराधा बेटा जो उसका वो है जहाँ 20 है लेवल ऑफ इनकम, वहां पे एपीएस चेक करो माइनस में आएगा। हाँ भाई, तो एमपी सी के लिए हमें क्या सी चाहिए होगा पहले ये बताओ। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आर्यन, तो मुझे बताओ 0 माइनस 12 है ना, क्योंकि माइनस करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 26, ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस बात को। सी निकल गया, कैसे निकाला सी, कैसे निकाला वाई माइनस एस करके। ठीक है, उसके बाद अब एमपीसी, एमपीसी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, चलो भाई पहले पे लगा दें डैश। अब बताओ डेल्टा सी कितना एडिशन हो रहा है, 8 और 6 कितना 14, 14 अपॉन 14 अपॉन 20 कितना आ रहा है डिवाइड करके 0.7, हाँ 7 अपॉन 10 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.7। और इतने इतने का ही चेंज चल रहा है सब में, है ना, तो ये भी 0.7 और ये भी 0.7। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है समझने में। आगे चलते हैं, एपीएस कैसे निकलता है, एपीएस निकलता है डायरेक्ट एस अपॉन वाई करके। तो जिसने इन्फिनिटी लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसने क्या करा माइनस 12 अपॉन 0 इन्फिनिटी, बट आप क्या लगा दो डैश, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, उसके बाद अब बताओ क्या करना है, माइनस 6 अपॉन बताओ भाई 20, दैट इज माइ, हाँ माइनस 6 अपॉन 20 दैट इज माइनस का 0.3। ठीक है, क्लियर। उसके बाद बताओ जल्दी से, हाँ 0 अपॉन 40 बताओ कि क्या हो जाएगा 0, और ऐसे ही 6, हाँ 6 अपॉन 60 कितना आ जाएगा 0.1। यही था बस, थोड़ी था। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए क्वेश्चन चेंज करते हैं, अलग से देते हैं। लिखो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, इनकम लिखो सबसे पहले वाई 0, 50, 100, 150 और 200। ठीक है, उसके बाद लिखो एस सेविंग्स माइनस 40, ठीक है माइनस 20, 0, 30 और 50। ठीक है, चलो क्या कैलकुलेट करना है देखो सामने, लिखो एपीसी, एपीसी डैश डैश 0.8 डैश। ठीक है, उसके बाद यहां पे लिखो एमपीसी डैश 0.6 डैश और डैश। चलो
क्या? अरे यार रेन यार अरे अनुराधा बेटा वहां जीरो जीरो क्यों आया 1.4 के नीचे चेक करो उसको 100/100 क्या होगा हाँ हाँ ठीक है इसके बाद 0.6 0.6 अरे थर्ड 150 लेवल ऑफ इनकम पे एमपीसी चेक करो 0.6 नहीं आएगा हाँ भाई एपीसी निकालना है उसके लिए क्या चाहिए होगा जल्दी बताओ सी सी कैसे निकलेगा वाई माइनस एस तो यहाँ कितना आएगा 40 70 100 120 और 150 कोई प्रॉब्लम ये बात सबको समझ में आई ठीक उसके बाद एपीसी कैसे निकलता है बताओ सी अपॉन वाई करके पहले पे क्या लगाऊं पक्का हाँ चलो लगा देते हैं डैश कोई प्रॉब्लम ठीक है इन्फिनिटी भी लिख सकते थे और डैश लगा दो ठीक है उसके बाद आप मुझे बताओ 70 अपॉन बताओ भाई तो कितना आएगा 7/5 को पॉइंट में डेसिमल में लिखते हैं कितना आ रहा है 1.4 उसके बाद बताओ 100/100 कितना 1 उसके आगे तो लिखा ही हुआ है 150/200 कितना आ रहा है 0.75 उसके बाद इधर आ जाओ एमपीसी कैसे निकालते हैं डेल्टा सी अपॉन उधर दिख रहा है क्या डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई ठीक है तो पहले पे लगा दूं डैश चलो उसके बाद मुझे बताओ चेंज कितने का 20 का 20 अपॉन बताओ सॉरी यहाँ पे हाँ 30/50 कितना रहा 0.6 ठीक है उसके बाद ये तो कैलकुलेट है ही इसके बाद बताओ कितना चेंज है जल्दी 20 का 20 अपॉन उधर कितना चेंज है 50 का दैट इज पॉइंट हाँ 0.4 उसके बाद कितना चेंज है 30 का 30/50 ये कितना जाएगा पॉइंट सिक्स कोई प्रॉब्लम किसी को जल्दी बताओ ठीक है लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 लिखो मेजर द लेवल ऑफ एक्स एंटे बता दूं क्या होता है ठीक है एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड एडी ठीक है व्हेन ऑटोनॉमस When autonomous investment, तमीज से लिखना क्वेश्चन पूरी लैंग्वेज लिख रहा हूँ लैंग्वेज इंपॉर्टेंट इसकी ठीक है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज रुपीज फिफ्टी करोड़ ठीक है कॉमा लिखो एंड एमपीएस इज 0.2 कॉमा एंड लेवल ऑफ इनकम is 4,000 crores ठीक है full stop state whether the economy is in equilibrium is in equilibrium or not
इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट, आगे ब्रैकेट में लिखना गिव रीजंस, गिव रीजन लिखो, गिव रीजन। चलो भाई ठीक है, आंसर बताओ जल्दी। लास्ट क्वेश्चन आज का ही, हिल भी नहीं रहा क्वेश्चन यार। पहले सबसे पहला काम क्या होता है, पहले लिख लो कि क्या क्या चीज हमें गिवन है। जब आप वो लिख लोगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगे। हाँ बेटा, इसमें ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है दोनों की अलग वैल्यू 50 करोड़ है ना। हाँ यही तो बात है मेन यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तब तो एडी 100 करोड़, 100 होगा ना। क्या एडी तब 100 होगा ना? क्यों यहाँ पे वर्ड ऑटोनोमस लिखा है? ये देखा ऑटोनोमस, मेन बात तो यही है, क्वेश्चन समझना ही तो मेन बात है। मैंने आपसे बोला ना लैंग्वेज पूरी क्यों लिख रहा हूँ, लैंग्वेज के तो खेल है यहाँ पे। ये ऑटोनॉमस लिखा है, उन्होंने बोला ऑटोनॉमस, यहाँ रुको पहले रुको, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन भी कौन सा है? ऑटोनॉमस। बात समझे या नहीं समझे? ठीक है, तो यानी अगर मैं आपसे बात करूं तो बेटा आई कितना दे रखा है पहले बताओ, आई कितना है? 50 करोड़, मानते हो उस बात को? ठीक है, देखो ये दे रखा है ना 50, है ना। और ए स्मॉल ए भी कितना है बताओ भाई? 50 करोड़ से ये दे रखा है आपको। समझ रहे हो बात को या नहीं समझ रहे? ठीक है, वो बोल रहा है ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन, यानी इन्वेस्टमेंट भी ऑटोनॉमस है और कंजम्पशन भी ऑटोनॉमस है। अब बात समझ रहे हो? ठीक है, लैंग्वेज का ही तो खेल है सारा। ठीक है, वो कितना दे रखा है? 50 करोड़। अच्छा और क्या दे रखा है बताओ भाई? एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना दे रखा है? अच्छा इसी के साथ जब ऐसा कुछ दिया हुआ ना तो साथ में वो भी लिख लिया करो, क्या बताओ? MPC, तो MPC कितना आएगा? 0.8, कोई प्रॉब्लम? अच्छा और क्या गिवन है जरा बताओ? नेशनल इनकम गिवन है कितनी जरा बताओ? 4000 करोड़। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक, आगे देखें जरा। अब मैं कह रहा हूं आपको पता है को क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसके बेसिस पे बताओ कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है या नहीं, करेक्ट है ना? यही तो बात है। तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब S is equals to I आता है, ठीक है? या बताओ, aggregate demand is equals to aggregate supply। अच्छा aggregate supply क्या होती है? National income होती नहीं होती? यानी अगर आप इस बात को प्रूफ कर दो कि aggregate demand और Y इस केस के अंदर क्या आ रहे हैं बताओ भाई? इक्वल आ रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी किसमें आ जाएगी? इक्विलिब्रियम। अरे समझ, सुन रहे हो बात को? ठीक है, बाद में लिख लेना, पहले सुन लो क्या हो रहा है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास, मुझे बताओ ये है क्या, जल्दी बताओ, वाई है क्या? यानी एग्रीगेट सप्लाई है क्या? 4000, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड निकाल लूं और वो भी कितना आ गया बताओ भाई, तो इकोनॉमी किसमें भाई? बट अगर नहीं आया तो नहीं, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, उसने सीधा तो पूछा है आपसे, घबरा क्यों रहे हो? सारी बात हमें पता है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि एग्रीगेट डिमांड निकालनी है, क्या हमें पता नहीं है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? हमें पता नहीं है हमारे सिलेबस में कौन सा मॉडल है, बताना? सी प्लस आई, बात ही खत्म हो गई, सी प्लस आई। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ए डी इज इक्वल्स टू सी पहले क्या होता है बताओ? ए, वेरी गुड, ए प्लस एम पी सी वाई, यही तो होता है।
और ये क्या है आय, क्या हम एडी निकाल नहीं सकते? निकाल सकते हैं ना, ठीक है, बताना जरा ए कितना है। वेरी गुड। एमपीसी बताना कितना है, लो सब चीज तो पता है आपको। और वाई बताओ कितना है, 4000, ठीक है, 50 भी प्लस करना है इसमें, ठीक है। बताओ भाई ये कितना आ गया, क्या कह रहे हो, 640 आ रहा है, तो इसको 50 प्लस क्या 3200 ना, 640 कहां से आ रहा था, ठीक है, प्लस ये कितना आया बताओ भाई, दोनों को ऐड कर दो जल्दी से, बताओ ऐड करें कितना आ जाएगा, ठीक है, एडी कितना आ गया जल्दी बताओ, अरे बोलो भाई एडी कितना आया, क्या ये इनकम के इक्वल आ रहा है, हाँ या ना? तो बेटा एडी इज नॉट इक्वल्स टू एएस, ठीक है, सो इकोनॉमी, ये रीजन दे रहे हैं हम, ठीक है, सो इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, बात समझ गए, ये होमवर्क है आपका, दोबारा करोगे सो नोट डाउन नहीं करना, ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में एक क्लास और मैथमेटिकल की, ठीक है, जितने थोड़े बहुत बचे हैं वो भी वाइंड ऑफ कर दूंगा मैं, ठीक, और वो खत्म होते ही, ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे चैप्टर के, क्लियर है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे।